नमस्ते एंड वेलकम टू रिधिमास किचन। आज मैं आपके साथ इटालियन स्टाइल पिज्जा पास्ता सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस सॉस के साथ एक बार पिज्जा या पास्ता बना लेंगे तो आपको मार्केट की भी सॉस बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियो। इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसमें 1.5 से 2 कप पानी डाल लेंगे। फ्लेम लो रखना। इसके बाद हम ऐसे बड़े साइज के 5 से 6 टमाटर ले लेंगे और सारे टमाटर पे ऐसे क्रॉस कट लगा लेंगे और उसे ऐसे पैन में प्लेस कर देंगे। मेक श्योर कि आपका बर्तन इतना बड़ा हो कि उसमें जितने भी आप टमाटर ले रहे हैं वो आराम से आ जाएं। अब हम पैन को ढक देंगे और लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे। अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। इसके लिए अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच बटर डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, उससे बटर जलेगा नहीं। अब जब हमारा बटर गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक पूरे लहसुन को अच्छे से छील कर बारीक बारीक पीसेस काट कर इसमें डाल देंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। गार्लिक को बस आप ऐसे रफली चॉप कर लें। बटर गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक को हमें बहुत अच्छे से पकाना है। आप देख सकते हैं कि गार्लिक पे बहुत अच्छा कलर आ गया, हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए। अब हम इसमें सबसे पहले 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो ग्रीन चिली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसमें रेड चिलीज डाली जाती हैं। 1 टीस्पून ओरिगैनो डाल देंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे। कोशिश करें कि इसमें घर में पिसा हुआ ब्लैक पेपर यूज करें। अगर आपके पास रोजमेरी या पार्सले या घर पे कोई भी हर्ब है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी रोजमेरी डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा पार्सले। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अब हम साइड पे रख देंगे। आप देख सकते हैं कि गार्लिक पे कितना अच्छा कलर आ गया। करीब 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर बॉईल करने के बाद टमाटर की स्किन ऐसे पील होने लग गई है। इसका मतलब है कि टमाटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम सारे टमाटर का ऐसे ही छिलका निकाल लेंगे, छिलका बिल्कुल अच्छे से रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर का ऊपर वाला हिस्सा भी काट दिया। अब हमें इन टमाटर को ऐसे हाफ कट कर देना। अब हम टमाटर और इस रोस्टेड गार्लिक और हर्ब्स को मिक्स करके एक मिक्सर जार में डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका स्मूथ पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। ध्यान रखेंगे कि हमें इस टाइम पे इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अब हम फिर से फ्लेम ऑन करेंगे और इसे करीब 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे या किसी भी कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। तो आपने देखा ना, घर पे पिज्जा सॉस बनाना कितना इजी है और वो भी बिल्कुल इटालियन स्टाइल। आप चाहें तो पिज्जा बनाने से पहले इस पिज्जा सॉस को पहले से ही बना के रख सकते हैं। ये फ्रिज में हफ्ता भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो आप भी पिज्जा सॉस की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।